रास्ता है, थोड़ा सा इसमें डिले दीजिए, तो साउंड बढ़ाइए, डिले दीजिए, कहाँ है साउंड ऑपरेटर, थोड़ा सा डिले बढ़ाइए, रिवर रिवर। और आप लोग बड़े प्यारे लोग हैं, मुझे पता था, इसीलिए दोबारा नेपाल में आया मैं, क्योंकि आपसे दूर रह नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैं आपके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। पिछली बार उसमें आपका दोष नहीं था, प्रशासन का एक दायरा होता है, कोविड के वजह से कार्यक्रम कैंसिल था, मैं नेपाल में आकर भी आपका मनोरंजन नहीं करा पाया उस जगह पे, लेकिन आज आप लोग इतने अच्छे हैं, कितने प्यार से खेसारी का स्वागत किए, लव यू आप सबका। और एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका बहुत योगदान होना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा कोई नेपाल में भोजपुरी आर्टिस्ट कार्यक्रम करने भोजपुरी क्या, कोई हिंदी का भी आदमी नहीं आएगा, इसलिए सलीनता के साथ इस कार्यक्रम को आप सब जरूर बनाइएगा, बनाइएगा ना, सबको सम्मान के साथ। और ये बाबा की नगरी में कार्यक्रम है, यहाँ आने के लिए ये धरती इतनी कुशल है, ये धरती इतनी पूजनीय है, और इस पे रहने वाला हर वो आदमी मुझे शिव ही नजर आ रहा है, सब भगवान शिव नजर आ रहे हैं। और मुझे पता है कि आज आप लोग अपनी सलीनता का परिचय दीजिएगा, जगह काफी है, सब लोग अगर बैठ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा और सब लोग देख पाएंगे, नहीं तो उसी में उग्र होगा और चीजें खराब हो जाती है, तो आप लोग प्यार से बैठ जाइए। कुर्सी की क्या जरूरत है, जमीन के लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सब जमीनी आदमी है, मैं भी जमीन का ही हूं, अगर आप लोगों को दिखाने का मतलब नहीं होता तो मैं भी जमीन पे बैठ के गाता, लेकिन आप देख नहीं पाओगे मुझे, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि रे बना रहा रे उतर। जहां गिरल की अंतरिक्ष में गई, लो मंगल ग्रह पर चल जी बगिर बताओ, तू अकेले ना जीव, दो तीन जना के और ले जाइब, उतर जा, हाँ बेमतलब के नेटवर्क ढूंढत रहो जी, उतर जा, बुजुर्ग आदमी बड़ा मर्द अकेले तो खत्म हो जीव। इसलिए आप लोग अपना परिचय सलीनता का दीजिए, हम अभी तुरंत आप सबके लिए ही आए हैं, आप जब तक ऐसे ही प्यार करते रहिएगा आप सबके बीच में, आपका बेटा, आपका भाई, आपका खेसारी लाल यादव, ये माही मनीषा, ये पिछले शो का भी हिस्सा थी, पिछले शो में भी प्रॉब्लम हुआ था, मैं नेपाल में आया था, मुझे होटल में चारों तरफ से प्रशासन ने घेर लिया कि आप नहीं जा पाएंगे, कोविड के वजह से कार्यक्रम कैंसिल किया गया था, ऑर्गेनाइजर ने गलत काम किया था, हमें परमिशन का लेटर नहीं दिया था, वो 5 दिन पहले का दे दिया था, 2 दिन पहले का नहीं दिया था, इसलिए पंगा हुआ कि मैं आकर भी नहीं गया, और लोगों के अंदर वो उत्साह खेसारी को प्यार करने की थी, और उसमें नुकसान खेसारी का ही हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सबके बीच में इसीलिए आया कि मैं देखना चाहता था कि मैं गलत हूं कि पब्लिक, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं, कुछ लोग गलत होते हैं जो उग्र कर देते हैं, आप ईश्वर की तरह हैं, भगवान शिव की तरह हैं, सबको दिल से प्रणाम, सबको सलूट करता हूं कि आप लोग इतनी सलीनता के साथ, इधर भी लोग हैं, इधर भी बोल देता हूं, इधर देख ले, आप माई मनीषा अंदर चले जाओ, सबको प्रणाम कर रहे हैं, बोलो हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज हम सबके लिए शुभ घड़ी है, आई शुभ घड़ी में हम सबको प्यार करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, आप लोग देख नहीं पाओगे, सामने बहुत जगह पड़ी थी, इधर से दिक्कत होगा, आप इधर आ जाओ, सामने इधर आ जाओ, सब लोग पीछे से ना लो कि पीछे से का देख बलो, हेने आ जा लो, हेने आ जा लो। और मैं वॉलंटियर से कहना चाहता हूं कि सबको प्यार से सलीनता से बैठाने का काम करिएगा, किसी पे कोई लाठी डंडा मत चलाएगा, क्योंकि इन पे लाठी बजती है तो खेसारी पे पड़ता है, क्योंकि मेरी जीवन इनके बदौलत चलती है, क्योंकि सब जानते थे कि मैं क्या था, आज क्या हूं और आगे क्या होने वाला हूं। तो आप लोग बस सलीनता का परिचय दीजिएगा, सब लोग प्यार से बैठ जाएंगे ना तो कार्यक्रम बड़ा मजा आएगा, मैं आज पागलों की तरह नाचने वाला हूं, पागलों की तरह,
बसरते आप लोग को बैठना पड़ेगा, बैठ जाएंगे तो मुझे भी मजा आएगा और बड़ा उत्साह के साथ मैं भी आया हूँ आपके धरती पे आपका प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए। तो प्लीज आप सब थोड़ा बैठ के अपना परिचय दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आप मुझे कितना मोहब्बत करते हैं। पीछे वाले आगे वाले को बैठाने का काम करिए, इतने वॉलंटियर नहीं बैठा पाएंगे, इसीलिए पब्लिक ही पब्लिक को बैठाएगा तो शायद कार्यक्रम बहुत अच्छा से देख पाएंगे आप सब और मजा भी ले पाएंगे। आओ बिकी, बस पांच पांच से दस मिनट का टाइम दीजिए, ये सब इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। अच्छा माला मत पहनाओ, पगली हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबू थैंक यू थैंक यू। जरूर 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 आप करिए। हेलो हेलो साउंड वाला भैया, एकदम सिर्फ आपकी है। खत्म ना हो जाए तो लोग छोड़िए बात ही क्या गया। आप लोग से आग्रह की थोड़ा इधर उधर हो जाए, सामने सामने गाली मनु खाड़ा रहा लग करके निहुरा के अस्थिर को दे हल। चलिए आयोजक है मौलापुर नगर पालिका पूर्व मंत्री माननीय हमारे प्रभु शाह जी और उनके साथ आए हुए जितने भी लोग हैं और हमारे शिखर जी संतोष जी सबको धन्यवाद। आपके साथ जितने भी मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, सबको ताहे दिल से प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद का कामना करूंगा कि ऐसे ही। और एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे मंच में जितने भी लोग हैं, हम सबके पूजनीय हैं, हमारे परिवार के गार्जियन हैं, तो एक जोरदार हल्ला करके ताली बजा दो सबके स्वागत में। आई लव यू। इधर भी आई जाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ना साइड रहिएगा ताकि इन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो देखने में। आप लोग इधर आ जाओ ना, इधर बहुत सारी जगह पड़ी है, नहीं तो फिर मुझे इधर आना पड़ेगा आप सबके लिए। आते रहूंगा, चलो कोई बात नहीं, यही मेरा काम ही है। देखा बाबू देखा,